फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको लग रहा होगा कि मैं ये अजीब सा मेकअप करके क्यों आई हूँ, बट चिंता मत करिए, कुछ दिनों बाद में आपका भी ऐसा ही बुरा हाल होने वाला है। बल्कि मैं कहूंगी इसे बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि आने वाली है होली। तो अब मैं होली के एक सीरीज वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ, जिन इस पूरी सीरीज में मैं आपको 3 या 4 वीडियो बनाऊंगी। और इन वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप होली के पक्के रंगों से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, और अपने बालों की, अपनी स्किन की कैसे आप सुरक्षा कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं। होली के दिन होली खेलने जाने के पहले हमें सबसे पहला जो काम करना है वो करना है कि हमें अपने पूरी बॉडी की अच्छी तरह से मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों तेल से मसाज कर लेनी है। तो मसाज करना है, तेल सिर्फ ऐसे ही बॉडी पे लगा के नहीं छोड़ना है, हमारी स्किन को अच्छी तरह से एब्जॉर्व कर ले ये तेल। इस तरह से हमें पूरा अच्छे से 1 से 1.5 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए हमें मसाज करना है। तो ये जो स्किन के अंदर में ऑयल जो है वो अच्छी तरह से जब बैठ जाएगा तो हमारी स्किन पोर्स ब्लॉक हो जाएगी, जिसके वजह से कलर जो है वो अंदर नहीं जाएगा और हमारी स्किन जो है उस पर हार्म नहीं होगा। तो अगर आप बालों पे भी ये लगा सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप सरसों तेल से आपकी आंखों में जलन होगी तो आप इस तरह की वैसलीन जो है वो फेस पे लगा सकते हो और अच्छी तरह से मसाज कर ले वैसलीन की, ताकि फेस के जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाए। अब जब आप होली खेल के आ जाओगे, उसके बाद नहाने के बाद आपको एक फेस पैक लगाना है, जो कि इसमें मैंने बेसन डाला है 1 चम्मच, एक छोटी चम्मच, चौथाई चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। हल्दी जो है वो नेचुरल एंटीसेप्टिक होता है, और हमारी स्किन में जो है कोई रैशेज वगैरह हो जाए रंग के वजह से तो उससे हमारे बॉडी की स्किन की सुरक्षा करता है। और ये तीसरा जो है वो मैं यहाँ पे नींबू डाल रही हूँ, नींबू का रस। तो नींबू का रस जो है वो नेचुरल ब्लीच होता है, जो कि स्किन के ऊपर में गहरे से गहरे दाग को हटाने की क्षमता रखता है। तो इसके लिए रंग का दाग तो कुछ भी नहीं है, और बहुत ही अच्छा ये पैक है। इसे आप अगर 1 से 2 बार लगाओगे तो आपके स्किन का कलर जो है वो 99% निकल जाएगा। तो हल्का सा पानी डाल करके मैंने इसका एक पेस्ट फॉर्म बना लिया है। अब इस पैक को आप अपने चेहरे पे, हाथों पैर में, पैरों की स्किन पे लगा सकते हो, और स्किन पे लगा करके और हमें इसकी हल्की हल्की हाथों से मसाज करनी है, जैसे हम स्क्रब करते हैं उस तरह से हमें स्किन को स्क्रब करना है। तो इस तरह से स्क्रब हम करेंगे तो हमारी जो स्किन है उसका कलर जो है वो काफी हद तक उतर जाएगा, और उसके बाद बस हमें अपनी स्किन को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। तो बस आज की वीडियो यहीं मैं फिनिश करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपकी होली जो है बहुत ही रंगीन हो एंड हैव अ सेफ होली। और आप चाइनीज प्रोडक्ट्स जैसे कि कलर्स और होली टॉयज को अवॉइड करने की कोशिश करें, और हमारे देशी नेचुरल कलर हैं उनका इस्तेमाल करें। थैंक यू।